Welcome to RapidX English Speaking Course. Today is day 53 and today's topic is Kanoon, yani ki law or TV, radio, post office se related spoken English sentences and vocabulary enrichment. So let's get started with Kanoon, law. तो कानून से जुड़े हुए शब्द और स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस में सबसे पहला वर्ड आता है इल्ज़ाम. उस पर खून का इल्ज़ाम लगाया गया है. अब खून कर दिया तो वो मर गया, तो हम उसे बोलेंगे मर्डर. और इल्ज़ाम लगाना मतलब अक्यूज़ करना. ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर. वह दो दिन जेल में रहा. तो जेल मतलब या तो आप उसे जेल बोलोगे या प्रिजन बोलोगे या फिर लॉकअप बोलोगे. लॉकअप जो है बहुत इनफॉर्मल वे है. आप प्रिजन बोल सकते हो. ही वॉज इन द प्रिजन फॉर टू डेज और ही वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर टू डेज. ओके, या ही वॉज इन द पुलिस लॉकअप फॉर टू डेज. उसने इस घटना की रिपोर्ट पुलिस को दी. रिपोर्ट दी मतलब रिपोर्टेड. घटना इंसिडेंट. इंसिडेंट होता है घटना और एक्सीडेंट होता है दुर्घटना. So incident can be a good incident, it can be a bad incident, but accident is always bad. He reported this incident to the police. अपराधी बरी कर दिया गया. बरी कर दिया गया मतलब उसे छोड़ दिया गया, acquit कर दिया गया. The accused was acquitted. वह फरार हो गया. फरार हो गया मतलब भाग गया. He absconded या he is absconding. वह जमानत पर छोड़ दिया गया. He was released on bail. Bail. So these are all law-related terms. Very important to know all these words, right? शहर में बद अमनी फैली हुई है. बद अमनी मतलब अमन है नहीं, पीस नहीं है, lawlessness है मतलब कोई law को मानने वाला नहीं है. Lawlessness prevails in the city. तुमने गैर कानूनी काम किया है. You have done something illegal or your act is illegal. इंसाफ का यही तकाजा था. तकाजा मतलब justice ऐसे ही मिलनी थी. This was the way justice was to be sought. या justice demanded it. इंसाफ मतलब justice. आप मेरे गवाह हैं. गवाह मतलब witness. You are my witness. यह कानून के खिलाफ है. खिलाफ मतलब against और कानून का मतलब है law. This is against the law. वह बिल्कुल बेगुनाह है. बेगुनाह मतलब innocent. He is innocent. आप ही इंसाफ करें. It's for you to judge now. ये सब नकली दस्तावेज हैं या इनमें फेर बदल या हेर फेर की गई है. That means these are all forged documents. कहते हैं ना कि इसने मेरे नकली सिग्नेचर करें, नकली साइन किए. So he has forged my signature. उसने मेरे विरुद्ध केस किया है. केस किया है मतलब या तो आप उसे केस बोल दो या फिर आप उसे सूट बोल दो, जो कि लॉ की टर्म्स में यूज किया था. ही हैज फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट मी. वकीलों ने गवाहों से प्रश्न किए. वकीलों मतलब लॉयर्स. गवाहों से मतलब विटनेसेस से प्रश्न किए मतलब क्रॉस एग्जामिंड. द लॉयर्स क्रॉस एग्जामिंड द विटनेसेस. आजकल मुकदमेबाजी बढ़ गई है. मुकदमेबाजी लिटिगेशन. Nowadays litigation is on the increase. पुलिस इस विषय में छानबीन कर रही है. छानबीन कर रही है इन्वेस्टिगेटिंग या इन्वेस्टिगेशन करना. The police is investigating the matter. मैंने उसके विरुद्ध, विरुद्ध मतलब अगेंस्ट, क्रिमिनल केस कर दिया है. I have filed a criminal case against him. Magistrate ने अपराधी पर अपराध लगा दिया है. अपराध लगा दिया मतलब अब वो मतलब उसके उसका गुनाह जो है वो साबित हो गया. The magistrate convicted the accused. अंत में अभियुक्त और अभियोग करने वाले ने समझौता कर दिया. अभियुक्त मतलब जो केस करता है, plaintiff, और अभियोग करने वाला जिस पर केस होता है मतलब defendant. तो they have reached a compromise. समझौता करना मतलब compromise. और इस compromise को ये भी बोलते हैं out of court settlement. मतलब court से बाहर mutually एक समझौता कर लेना, एक compromise कर लेना को बोलते हैं mutually out of court. court से बाहर ही समझौता कर लिया. out of court settle कर लिया मामले को. उसको मृत्यु दंड मिला.
ही गॉट अ डेथ सेंटेंस. और जब लंबी सजा मिलती है, उम्र कैद मिलती है, तो उसे बोलते हैं कैपिटल सेंटेंस. ज्यूरी ने अभियुक्त के पक्ष में निर्णय लिया. निर्णय लिया मतलब वर्डिक्ट. इन फेवर के पक्ष में मतलब फेवर, अभियुक्त मतलब अक्यूज्ड. तो द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ द अक्यूज्ड. खूनी को फांसी मिल चुकी है. फांसी मतलब हैंग्ड. द मर्डरर हैज बीन हैंग्ड. कानून न जानना कोई बहाना नहीं. इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज. इग्नोरेंस मतलब किसी चीज की जानकारी न रखना. जज ने चोर को सजा दी. द जज पनिश्ड द थीफ. मुकदमे का क्या फैसला हुआ. वॉट वॉज द जजमेंट इन दिस केस. वह चश्मदीद गवाह है. एक तो गवाह होता है और एक चश्मदीद गवाह होता है जिसने अपनी आंखों से कोई गुनाह देखा हो होते हुए. सो दैट काइंड ऑफ विटनेस इज कॉल्ड एन आई विटनेस. ही इज एन आई विटनेस. वह कानून का मानने वाला है. लॉ अबाइडिंग मैन. वी ऑल शुड बी लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स ऑफ आर कंट्री. इंसाफ में देर का मतलब अंधेर है. तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब. जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. मतलब अगर इंसाफ देर से मिले तो वो लगभग ना मिलने के ही बराबर है. जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. सफाई के वकील ने बहुत बढ़िया पैरवी की. डिफेंस काउंसिल आर्ग्यूड द केस वेल. चलिए अब देखिए रेडियो, टीवी एंड पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड स्पोकन इंग्लिश एंड लेक्सिकल रिसोर्स. दैट मीन्स वोकैबुलरी. मैंने रंगीन टेलीविजन खरीदा है. आई हैव बॉट अ कलर टेलीविजन. आपका टीवी चल रहा है. योर टीवी इज ऑन. मेरा रेडियो बंद है. माई रेडियो इज ऑफ. समाचार सभी स्टेशनों से एक साथ प्रसारित होता है. प्रसारित होता है मतलब ब्रॉडकास्ट. एक साथ साइमल्टेनियसली. एंड समाचार न्यूज़ बुलेटिन. न्यूज़ बुलेटिन इज़ ब्रॉडकास्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम ऑल रेडियो स्टेशंस. मैं टीवी देखने का बड़ा शौकीन हूँ. शौकीन हूँ फॉन्ड ऑफ. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी. अब चैनल जी लगा दो. नाउ स्विच ऑन टू चैनल जी. नाउ ट्यून इन टू चैनल जी. डाकिया चिट्ठियाँ छाँट रहा है. छाँट रहा है मतलब सॉर्टिंग आउट. द पोस्टमैन इज सॉर्टिंग आउट द लेटर्स. अगली डाक 4:30 बजे निकलेगी. द नेक्स्ट क्लियरेंस इज ड्यू एट 4:30 PM. डाक दिन में दो समय बटती है. द मेल इज डिलीवर्ड ट्वाइस अ डे. मैंने 50 रुपये मनी ऑर्डर द्वारा भेजे. आई सेंट ₹50 बाय मनी ऑर्डर. रजिस्टर्ड पैकेट पर पूरे टिकट नहीं हैं. द रजिस्टर्ड पैकेट नीड्स मोर स्टैम्प्स. कृपया मनी ऑर्डर की रसीद भेजना. प्लीज़ एक्नॉलेज द मनी ऑर्डर. एक्नॉलेज करना मतलब कि हाँ मैंने ये चीज़ रिसीव कर ली है, अपना साइन करके देना. टेलीविज़न का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है. योगदान कॉन्ट्रीब्यूशन. उसे हम रोल भी कह सकते हैं. महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट जीवन लाइफ. सो द टेलीविज़न प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आर डेली लाइफ. अगर टेलीविज़न के ऊपर ऐसे आता है तो दिस कैन बी द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ दैट ऐसे. मेरा रेडियो बड़ी साफ आवाज़ पकड़ता है. पकड़ता है रेडियो आवाज़ पकड़ता है तो उसका रिसेप्शन बहुत अच्छा है क्योंकि वो सिग्नल्स रिसीव करता है. रिसीव से बना रिसेप्शन. माय रेडियो हैज़ अ वेरी शार्प रिसेप्शन या क्लियर रिसेप्शन. क्या तुमने पार्सल का वज़न कर लिया. वज़न करना मतलब वे करना. हैव यू वेड द पार्सल. मुझे डाकखाने से कुछ लिफाफे तथा इनलाइन शीट्स खरीदने हैं. I have to buy some envelopes and inland sheets from the post office. इस चैनल में गड़बड़ी है. This channel is disturbed. तुमने इसे ठीक से ट्यून नहीं किया है. You haven't tuned it properly. डाक विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर हैं. The workers in the postal department are on strike. इस पत्र पर कितने की टिकट लगेगी. What will the stamp on this letter cost? याद रखें Here's a good government after decades. आज कई दशकों. Decade का मतलब होता है 10 साल. आज कई दशकों के बाद अच्छी सरकार बनी है. May govern,
क्रिया में मेंट लगाकर संज्ञा बन गई गवर्नमेंट। तो इस तरह से और संज्ञाएं भी हम बना सकते हैं क्रिया में मेंट लगाकर, जैसे इन्वेस्ट से इन्वेस्टमेंट, और देखते हैं हम अग्री से अग्रीमेंट यानी समझौता, अमेज से अमेजमेंट आश्चर्य, अमेंड से अमेंडमेंट सुधार, आर्ग्यू से आर्ग्यूमेंट तर्क। अब यहाँ आप देखेंगे आर्ग्यू का ई हटाकर मेंट लगा दिया तो ई खत्म हो गया है। एम्प्लॉय से एम्प्लॉयमेंट यानी नौकरी, एक्साइट से एक्साइटमेंट यानी कि जोश, सेटल से सेटलमेंट यानी निपटना। तो ही इज अ सिविल सर्वेंट, वह एक अधिकारी है। इस वाक्य में सर्वेंट क्या है, संज्ञा, और अंत में क्या आ रहा है, एंट। ये भी हमने किया था, जैसे अकाउंट में हमने एंट लगा दिया तो अकाउंटेंट बन गया, लेखापाल। अप्लाई में कैंट लगा दिया तो एप्लीकेंट प्रार्थी, कॉन्सोनेंट व्यंजन, डिफेंडेंट प्रतिवादी, मर्चेंट सौदागर। ऊपर दिए गए शब्दों में सर्वेंट, डिफेंडेंट, अकाउंटेंट, सर्व, डिफेंड और अकाउंट में एंट तथा अप्लाई में कैंट लगाने से बने हैं। पर कुछ शब्द जैसे मर्चेंट, आपने सुना होगा कि मर्चेंट और कॉन्सोनेंट में मैंने कुछ नहीं लगाया, तो ये किसी से जोड़ने से नहीं बने, इनका हम हाफ नहीं कर सकते। कॉन्सो का मतलब कुछ नहीं होता या कॉन्सोन का मतलब कुछ नहीं होता, ओके। सो ये किसी दूसरे शब्द में जोड़ने से नहीं बने। इसी तरह से इम्पॉर्टेंट मतलब इम्पोर्ट और एंट नहीं होता, ये पूरा एक ही वर्ड है इम्पॉर्टेंट, पर ये संज्ञा नहीं विशेषण है। तो इसी तरह से आप वर्ड्स को सीखते रहिए, क्योंकि बहुत सारे रूल्स हैं जो कि अप्लाई होते हैं इंग्लिश में, और बहुत सारे ऐसे भी रूल ब्रेकर्स होते हैं जिनमें रूल काम नहीं आता। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू कीप एक्सपैंडिंग योर वोकैबुलरी एंड कीप राइटिंग द मीनिंग्स, और मीनिंग्स के साथ साथ उनके सेंटेंसेस भी ज़रूर बनाइए ताकि आप सचमुच में लर्न करें। चलिए तो फिर कल मिलते हैं डे 54 के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस, बाय।